Okay, now we are moving towards resistivity. ऐसे ही resistivity, ठीक है बेटा, resistivity की बात करेंगे, ठीक जी है। अच्छा, अब देखिए बेटा, एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर हम resistivity की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल बेटा देखें, इफ आई हैव दिस वन कंडक्टर, ठीक है, अगर मेरे पास ये कंडक्टर है तो बेटा देखिए, इसके जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो अच्छा बेटा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे कंडक्टर जितना छोटा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, ऐसे है या नहीं बेटा? जी अच्छा बेटा, ठीक है, आपने देखा होगा बेटा, अगर पानी जो है वो इतने बॉक्स में से अगर क्रॉस हो रहा हो तो वो इजीली क्रॉस हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि अगर यही जो ब्लॉक है पानी, जिसमें इसमें से अगर वो इतना बड़ा हो जाए तो पानी को इसमें से क्रॉस होने में टाइम लगेगा, ठीक है, और इसमें से जल्दी क्रॉस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बता, अगर आपके पास पानी का पाइप, अगर इतना इतने उसका पानी का पाइप अगर, मतलब सर, कंडक्टेंस जो हमने पढ़ा था कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का मतलब इनवर्स रिलेशन है एक दूसरे के साथ, तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि मतलब एज कंपेयर टू कंडक्टर एंड वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उस वो अलग हमने बात की थी, उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, वो अलग से रिलेशन है, वो रेजिस्टेंस का, तो ये वो रेजिस्टेंस लिखेंगे, जी बेटा, वो रेजिस्टेंस का और कंडक्टेंस का तो हम ये रिलेशन। लिखेंगे कि तो सर हम ये लिखेंगे ना कि स्मॉलर द कंडक्टर स्मॉलर द रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। हाँ, अगर जितना जितना लेंथ कम होगी कंडक्टर की उतना उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। कंडक्टेंस बेटा कुछ और चीज है, ठीक है, जी जितनी लेंथ कम होगी तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं ना, जल्दी से मूव इलेक्ट्रॉन, कंडक्टेंस हम इसी को तो कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्ड जो चार्जेस है वो ज्यादा मूव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए बेटा, अगर पाइप आपके पास 1 इंच का हो इतना, और दूसरा पाइप है जो कि 4 इंच का है, ठीक है, जिसका जी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया, ये 1/1 का हो अगर, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, यानी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 2/2 का हो, ठीक है, तो आप बेटा देखें, एक चीज देखें कि आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा पानी किसमें से गुजरेगा, कंडक्टर ए में से, पाइप ए में से, इस पाइप पाइप ए में से या पाइप बी में से? सब फिर से रिपीट करेंगे अपना बेटा मैं क्वेश्चन। कहता हूं कि एक पाइप ये है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 m² है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा पाइप है जिसका जो एरिया है वो 2/2 यानी 4 m² है, ठीक है, 4 m² का एरिया है, ठीक है, जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मुराद बेटा ये वाला एरिया, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा पानी इसमें से मूव करेगा या इसमें से करेगा? बी में से बी में से करेगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्या है, ज्यादा है,
तो नंबर ऑफ मूवमेंट फ्री मूवमेंट जो होगी वो इसमें से ज्यादा होगी, इसमें से कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो चार्जेस जो है वो बड़ी मुश्किल से मूव करेंगे इसके अंदर, ऐसा ही है। इससे मिसाल आप ये ले लें कि एक रोड है जो कि 100 फीट का है, कितने फीट का है? 100 फीट का। और एक गली है जो 1 फीट की है, कितने फीट की? 1 फुट की है। ठीक है, ये भी 2 फीट ले लें। 1 फीट की, ठीक है, 2 फीट ले लें। आप मुझे बताएं, अगर आपको 100 फीट वाले जो है ना रोड पे मूव करना हो, 10 बंदों को अगर 100 फीट वाले रोड पे मूव करना हो, और उन्हीं 10 बंदों को फिर 2 फीट वाले रास्ते पे मूव वाली गली पे मूव करना, तो कौन सी गली में जो 2 फीट की गली है उसमें से वो इजीली मूव कर जाएंगे, या 100 फीट का जो रास्ता है उसमें से इजीली मूव कर जाएंगे? रास्ते में से, क्योंकि वहां पे ज्यादा मतलब कैपेसिटी होगी ना, ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा कैपेसिटी तो उनकी रुकावट कम। जी, रुकावट कम तो रेजिस्टेंस कम कह सकते हैं ना। जी, जो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, ज्यादा या कम? कम कम, शाबाश। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई डाउट बेटा? सर, रेजिस्टेंस मतलब कोलिजंस को प्रोड्यूस करती है ना, तो इसलिए ऐसा ना। हाँ, रेजिस्टेंस मींस रुकावट बेटा, कोलिजन। अब जब जहां पे रास्ता ज्यादा होगा तो वहां पे कोलिजन कम होगी। ठीक है, कोलिजन कम तो आपके पास रेजिस्टेंस भी कम। ठीक है, रेजिस्टेंस कम तो हम कहेंगे कि भाई इसकी जो है, अच्छा अब देखें, आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को हटाएंगे तो हम ये वाला सिंबल इस पे इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ग्रीक लेटर है आई थिंक, ओमेगा नहीं, ओमेगा नहीं, ये वाला, जैसे रो 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 हमने इस्तेमाल की थी ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर, जो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर की बात की थी ऑन नेचुरल गैसेस, रो ये वाली पी की तरह, एल बाय ए लिखा है आपने। हाँ, एल बाय ए, ये देखे ना। या फिर मैं क्या करूं, थोड़ा सा इसको फिलहाल हम ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं बेटा, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल बाय ए, यानी दोनों पे डिपेंड कर रही है ना, एल पे डायरेक्टली और ए पे इनवर्सली। तो मैंने डायरेक्टली क्या कह दिया, आर इज इनवर्स, आर इज डिपेंडेंट ऑन एल बाय ए। ठीक है, तो अब हम यूं भी कह सकते हैं बेटा, आर इज इक्वल टू, यानी मैंने प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को हटाया, बदले में मैंने रो लगाया, दिस वन इज रो एल बाय ए। कोई डाउट? सर, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ना। कम होगी ना बेटा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। मिसाल के तौर पे अगर एक 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 ऐसी स्ट्रीट है, एक ऐसी गली है जो 3 मीटर की है, कितने मीटर की गली है? 3 मीटर लंबी है, 3 मीटर। ठीक है, और दूसरी गली है जो कि 100 मीटर लंबी है। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं, 10 बंदों को अगर 3 मीटर वाली गली में से भी गुजरना है और 100 मीटर वाली गली में से भी गुजरना है, किनको ज्यादा मुश्किलात होगी, 3 मीटर में से जिनको गुजरना है उनको, या जिनको 100 मीटर वाली गली में से गुजरना है उनको? 3 मीटर वाली। 3 मीटर वाली में सबको ज्यादा मुश्किलात होगी गुजरने में। जी, देखें, समझे नहीं आप सवाल को। एक जो गली है वो लंबी कितने मीटर है? 3 मीटर। ठीक है, और चौड़ी कितनी है? 2 मीटर, 1 मीटर। बेटा, एक गली 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, ठीक है, और दूसरी गली 1 मीटर चौड़ी और 100 मीटर लंबी है। ठीक है, अब कौन सी गली में से गुजरना पसंद करेंगे, 3 मीटर वाली में से जो 3 मीटर लंबी है उसमें से, जो 100 मीटर लंबी है? 2 मीटर
जी बेटा पहली वाली, क्यों? क्योंकि उसमें लेंथ ज्यादा, मतलब बेटा चौड़ाई उसकी ज्यादा है ना। नहीं, आप समझे नहीं बेटा, चौड़े तो दोनों एक ही जितनी है ना बेटा, चौड़ी तो दोनों एक ही जितनी है ना। ये देखिए मैं अगला पेज ले लेता हूं। एक गली ये है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये ले लिया, ये 1 मीटर जो है चौड़ी है गली, यहां से आपको मूव करना है, ठीक है। और जैसे ही आप इस गली में से जाएंगे तो यहां पे आपको जो है ना गार्डन मिल जाएगा, या आप गार्डन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और दूसरी गली है, ये वाली, ये भी 1 मीटर चौड़ी है, ये भी 1 मीटर चौड़ी है, लेकिन ये लंबी कितने है? 3 मीटर। और ये लंबी कितनी है? 100 मीटर। जब ये 100 मीटर की गली आप क्रॉस करेंगे तो जाके आपको पार्क मिलेगी, ठीक है। यहां पे कितने मीटर की गली जो है क्रॉस करने में आपको पार्क मिलेगी? 3 मीटर। तो आप कौन सी गली से जाना पसंद करेंगी, इस 3 मीटर वाली गली से या 100 मीटर वाली गली से? 3 मीटर वाली। वजह? क्योंकि जल्दी से बात कवर हो शाबाश, जाएगा। जल्दी से पास हो जाएगा और आपको जो रुकावट होगी वो कम लगेगी। भाई गली क्या है, रुकावट है ना, जितनी गली ज्यादा लंबी होगी उतनी पार्क तक पहुंचने में रुकावट कम होगी, तो ज्यादा होगी, और जितनी गली पतली छोटी होगी उतनी ही पार्क तक पहुंचने की जो रुकावट है वो कम होगी। नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इसकी लेंथ जितनी कम उतनी रुकावट कम और जितनी रुकावट कम उतना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी कम होगा ना। शाबाश, इसकी जितनी लेंथ ज्यादा उतनी रुकावट कम अरे बेटा रुकावट कम कैसे होगी, पार्क तक पहुंचने में आपको इसमें ज्यादा देर लग रही है, इसमें ज्यादा देर लग रही है, बी वाले में इसमें लग रही है ना, 100 मीटर वाले में। जी। तो 100 मीटर वाले में पहुंचने में देर लग रही है, देर लगने से मुराद क्या, रुकावट ज्यादा, ठीक है। जी रुकावट ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। आपने कभी ये नहीं सुना होगा भाई, अगर आप कभी स्कूल जो है मिसाल के तौर पे आपने कहीं जाना था, आपने कराची जाना था, ठीक है, और दूसरा बंदा था उसने भी कराची जाना था, ठीक है, दोनों निकले सखर से एक ही टाइम, बंदा ए और बंदा बी। बंदा ए जो है कराची पहुंच गया, निकले थे 8 बजे सुबह के, बंदा ए जो है वो रात शाम के 12 बजे पहुंच गया कराची, और बंदा बी जो है शाम के 4 बजे कराची पहुंचा, ठीक है। जी पता चला कि भाई पूछा गया कि भाई आपको देर कैसे लग गई, उसने कहा, वो क्या कहेगा, भाई यार मुझे इसलिए देर लगी है कि हम दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, तो वो रास्ता बहुत लंबा पड़ गया हमें, इसलिए हमें देर हो गई और रुकावट हो गई रास्ते में, ऐसे कहते हैं ना। और जो बंदा जी पहले सर पहुंच गया उसे क्या कहेंगे, भाई इसकी रुकावट कम है, उसकी रुकावट कम, रास्ता कम था, वो कराची जल्दी पहुंच गया, तो इसका मतलब है उसका रास्ता कम था, छोटा था, वो जल्दी पहुंच गया, उसको रुकावट कम लगी। और जो बंदा देर से पहुंचा तो हम क्या कहेंगे, भाई इसको रुकावट ज्यादा लगी क्योंकि रास्ता लंबा था, रास्ता लंबा ज्यादा तो रुकावट उतनी ही ज्यादा, रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा, रास्ता जितना छोटा रुकावट उतनी ही कम, रेजिस्टेंस भी उतनी ही कम। आप समझा गया? जी अब हम ये वाली बात कह सकते हैं बेटा कि रेजिस्टेंस इज, जी बताएं। ठीक है, तो यानी आप समझा गया बेटा कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे है, जी और एरिया के साथ कम होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, आर इज डायरेक्टली, आर इज प्रोपोर्शनल टू द एल बाय ए, जब प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल की साइन लगेगी, इक्वल यानी आर इज इक्वल टू रो, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होगा वो रो लगेगा, ठीक है, आर एच ओ।
रो, ठीक है, जी सर। अच्छा बेटा अब देखिए, तो अब रो लग गया आपके पास, अब ये रो क्या है, ठीक है, अब हम इसको यूं लिख सकते हैं बेटा, के आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अगर हम इसको यू निकालें, रो इज इक्वल टू आर ए बाय, नो कोई डाउट बेटा? सर। दिस राइट हैंड साइड इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, यानी ये जो राइट हैंड साइड है, यानी आर ए बाय एल, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ एल इज नोन एज रेजिस्टिविटी। सर जो रो है वो रेजिस्टिविटी का यूनिट है ना। यूनिट नहीं है बेटा, सिंबल है। अच्छा ये फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। रेजिस्टेंस का आपने कहा था कि उसका नहीं, ओहम उसका तो ओहम मतलब बताया था ना बेटा, ओमेगा होता ओहम, है ना उसका सम। उसका तो ओहम बताया था ना बेटा, ये वाला ओमेगा। उसका यूनिट आपने बताया ओहमा उसका सिंबल ओमेगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, ये इसका यूनिट जो है ये वाली रो है, ये वाला रो, ठीक है, पी की शक्ल का, ओके ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है सर। ओके सर अब देखें बेटा, इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, यानी रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज सिंपली अ प्रॉपर्टी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, बाय विच इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बाय विच द मटेरियल एग्जिस्ट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ आर टू द गिवन मटेरियल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, इट्स ऐसा यूनिट इज, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ओहम मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा? ओहम मीटर। मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट है। सर एक बार फिर से रिपीट करें। हाँ, यानी रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी एंड इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू दी चार्जेस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू दी चार्जेस ऑफ यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल, यूनिट बता एरिया ए। कि रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच द मटेरियल बाय विच द मटेरियल ऑफर्स प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस। ऑफर्स ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ आर बाय विच, एक मिनट बेटा, ऐसे लिखिएगा कि बाय विच अ मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पर यूनिट लेंथ एक मिनट। एल ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ आर टू दी चार्जेस। सर एक बार फिर से लेकिन हाँ, गला लग कर तो क्या। यानी रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी जी ऑफ मटेरियल ए, ऑफ मटेरियल, ऑफ अ मटेरियल, जी गिवन और मटेरियल लिख दे बेटा, ऑफ गिवन मटेरियल, गिवन मटेरियल ऑफ एरिया ए, ऑफ एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ क्रॉस एल सेक्शन
इन अ लेंथ एल. हाँ अब टोटल पढ़े बेटा, क्या लिखवाया मैंने आपको? रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन मटेरियल. हाँ ऑफ अ गिवन मटेरियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इन अ लेंथ एल. हाँ ड्यू टू विच due to which this material offers where this material offers a resistance of R to the moving charges. जी बेटा नहीं, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस प्रॉपर्टी. हां ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. हां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. ओके एंड द लेंथ एल ड्यू टू व्हिच दिस मटेरियल ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ आर टू द मूविंग चार्जेस. सही है? हां हां ठीक है बेटा. ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? और इसका ऐसा यूनिट क्या है? No, इसका ऐसा यूनिट है ओहम मीटर, यानी ऐसे लिखते हैं ओमेगा मीटर. कोई डाउट? ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी. ठीक है, इसको रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना बेटा? नहीं सर. हाँ अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर. ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर. ठीक है जी. अच्छा बेटा, अब हम टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी की बात करेंगे. अच्छा सबसे पहले तो एक और बात याद रखिएगा बेटा. ठीक है अच्छा अच्छा बेटा, हम डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर की बात कर रहे थे. बेटा देखें, एक्सपेरिमेंटली हमने ये प्रूव किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली जब हम डिस्कस करते हैं, यानी कि जब भी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस जो आता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रेजिस्टेंस में जो चेंज है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस में जो चेंज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के. जैसे हमने बेटा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में किया था, याद है? जी. जितना रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ओरिजिनल ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उसमें चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा. कोई डाउट? इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं. अब ये भी याद रखें कि जितना टेम्परेचर रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा किसके? चेंज इन टेम्परेचर. वेरी गुड बेटा, चेंज इन, ये हमने पढ़ा था ना लीनियर में, इस तरह से लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जब बात कर रहे थे. ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं. कोई डाउट यहां था? नो. ठीक है, अब बेटा आपको पता है डेल आर जो है, del r is equivalent to, we know that del r is equivalent to resistance at temperature t, ठीक है, किसी टाइम t पे, माइनस रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर t नॉट, यानी इनिशियल टेम्परेचर पे.
ठीक मतलब है, फाइनल मान, हाँ सही हाँ फाइनल शाबाश, मान, फाइनल माइनस ओके इनिशियल वही बात कर रहे हैं, ठीक है। और डेल टी आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, शाबाश, यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। कोई डाउट बेटा? अब अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे सर तो यू विल गेट आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ओ इसको पहले हम चेंज कर दें, यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं पहले, टोटल जो डेल आर है, यानी हम कह सकते हैं टोटल डेल आर जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन आर नॉट, डेल टी पे। कोई डाउट बेटा? अगर प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को हटाएंगे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यानी प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को जो है हम हटाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इक्वल टू हमारे पास क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हट जाएगी और अल्फा लग जाएगा, कांस्टेंट ठीक है, कांस्टेंट लग जाएगा, कांस्टेंट इज अल्फा लगेगा, आर नॉट डेल टी। डाउट यहां तक? ठीक नो है बेटा। अच्छा बेटा अब देखें, हमें अगर अल्फा निकालना हो तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा विल बी इक्वल टू डेल आर, चेंज इन रेजिस्टेंस, शाबाश, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन, चेंज इन वेरी गुड बेटा, चेंज इन केल्विन रेजिस्टेंस आइजेंट्रोपी, बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल या फिर इनिशियल रेजिस्टेंस में हम कह सकते हैं, टाइम्स डेल टी। कोई डाउट यहां तक? ये जो अल्फा है बेटा, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? ओके बेटा, तो हम कह सकते हैं बेटा कि यानी क्या हो जाएगा आपके पास, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं डेल्टा आर की और डेल्टा टी की, ठीक है, डेल आर और डेल टी की अगर हम वैल्यूज इसमें पुट करें तो कैसे आ जाएगा बेटा? यानी हम कह सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट, ठीक है, टाइम्स जी टी एट फाइनल स्टेज, माइनस टी एट फाइनल टी आर स्टेज इनिशियल स्टेज, माइनस टी एट इनिशियल स्टेज इनिशियल स्टेज। स्टेज कोई डाउट बेटा? नो सर, अच्छा एक और बात याद रखिएगा बेटा, जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो लीनियर होता है चेंज इन जी टेम्परेचर के, यानी दोनों जो है डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, ये तो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। ये देखें, कोई डाउट यहां तक? नो अब ये तो था बेटा रेजिस्टेंस के लिए अल्फा, ये क्या था, अल्फा जो है रेजिस्टेंस के लिए था। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा? अब आपको पता है जिस बॉडी का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, नहीं समझा रहा? सर आपने बोला कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग हैं, तो हाँ अलग अलग तो हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, एक क्वांटिटी है, ठीक है,
और रेजिस्टिविटी क्या है, वो तो प्रॉपर्टी, मतलब ठीक है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि जितना रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका मकसद क्या है, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सर तो क्या रेजिस्टिविटी भी मतलब रुकावट को बोलते हैं, अभी रुकावट हाँ हाँ ना बेटा, रेजिस्टिविटी यानी प्रॉपर्टी है, मैंने अभी लिखवाया ना आपको, रेजिस्टिविटी इज अ अपोजिशन, ठीक है। हमने क्या लिखा बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल ड्यू टू व्हिच हाँ दिस मटेरियल ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ आर टू द हाँ मूविंग चार्ज। यानी ये क्या है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच दैट मटेरियल ऑफर्स अ रेजिस्टेंस, यानी ये प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस को ऑफर करती है, यानी ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि कोई रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। कोई डाउट, जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कोई डाउट? तो बेटा हम ये भी कह सकते नो हैं, ये तो था कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर द रेजिस्टेंस, जब आपको रेजिस्टेंस गिवन हो इनिशियल और फाइनल। लेकिन जब रेजिस्टेंस ना गिवन हो तो अल्फा किसके बराबर होगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी डेल रो, डेल रो बाय रो नॉट, रो नॉट डेल टी के। कोई डाउट, ऐसे हो जाएगा ना बेटा, जहां जहां रेजिस्टेंस होगा वहां वहां हम क्या लगा देंगे, रो लगा देंगे, ठीक है। अगर वो गिवन नहीं होगा तो हाँ यानी अगर आपको फार्मूला में जो है वो रेजिस्टेंस ना गिवन हो बल्कि रेजिस्टिविटी गिवन हो, ठीक है, अच्छा। ये तब फार्मूला, तब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस गिवन है इनिशियल और फाइनल तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इस रेजिस्टिविटी वाले फार्मूले का मजीद सॉल्व करके यानी ऐसे कह सकते हैं कि भाई अल्फा इज इक्वल्स टू रो एट टाइम टी या फिर टेम्परेचर टी माइनस रो एट टाइम टी नॉट या फिर एट टेम्परेचर टी नॉट बाय रो नॉट, ठीक है बेटा, टाइम्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कोई डाउट बेटा यहां तक? दिस इज द डिपेंडेंसी, दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ओवर टेम्परेचर। तो आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही बेटा? जी आप शो हो रही हाँ ठीक है बेटा, दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी ओवर द टेम्परेचर, ठीक है। ये फॉर्मूला है डिपेंडेंसी का। ये तो मतलब डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन नहीं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन रेजिस्टेंस होना चाहिए ना। नहीं, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस तो बेटा एक ही चीज की है ना, एक ही चीज है ना वो, तो आप कुछ मानो में हमें तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या था हमारा, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर ना, ठीक है। जी यहां से हमने क्या निकाला है, देखें टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंसी, ये फार्मूला किस में आया है आपके पास, रेजिस्टिविटी में आया है ना, किन दो चीजों के दरमियान फार्मूला है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान फार्मूला है ना। अल्फा तो कांस्टेंट है आपके पास, इसकी तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है हर मटेरियल के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करेगी, ठीक है सर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। कोई डाउट, नो दूसरे मानों में हम ये भी फार्मूला कह सकते हैं भाई, रो नॉट फाइनल टेम्परेचर
माइनस इनिशियल टेम्परेचर टाइम्स अल्फा इक्वल्स टू फाइनल रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी एट टाइम टी माइनस रेजिस्टिविटी एट टाइम टी नॉट कोई डाउट इसको भी हम टी नॉट कह सकते हैं बेटा टी नॉट ठीक है ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करने का हो जाएगा बेटा जी सर ओके अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फाइनल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा तो फाइनल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई रो टी रो एट टाइम टी विल बी इक्वल्स टू रो नॉट टाइम्स वन प्लस अल्फा टाइम्स फाइनल टेम्परेचर ये फॉर्मूला बेटा आपके पास फाइनल रेजिस्टिविटी फाइंड करने का माइनस इनिशियल टेम्परेचर कोई डाउट सर ये आपने वन प्लस अल्फा लिखा जी बेटा वन प्लस अल्फा टाइम्स टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ये मैंने यहां से ड्राइव किया बेटा इस वाले फार्मूला से देखें ये माइनस का टी नॉट है ठीक है ये वाला रो टी नॉट है वहां जाएगा तो प्लस का टी नॉट हो जाएगा ठीक है जी तो इन दोनों में से हम टी नॉट को कॉमन कर लें अगर यहां भी टी नॉट है इसमें टी नॉट कॉमन हो जाएगा तो यहां पे वन बचेगा वन प्लस टी यहां पे अल्फा बचेगा ये वाला अल्फा टाइम